बांस के बने इस खस्ता हाल पुल से गुजरते ये लोग बिहार में गुम हो गए विकास की तलाश में हैं। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत भौनगर पंचायत के नया टोला बालूगंज का ये पुल 2017 में आई विनाशकारी बाढ़ में टूट गया था। ग्रामीण टूटे हुए पुल के मलबे पर आपसी चंदे से चचरी का पुल बनाकर आवागमन करते हैं। ये रास्ता महानंदा नदी के दो प्रमुख घाट कवैया घाट और कुजीबाना घाट की ओर जाता है, जहां से रोजाना हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं। कदवा प्रखंड के पश्चिमी भाग के ग्रामीणों के लिए अनुमंडल मुख्यालय और सालमारी बाजार जाने का ये एक सरल मार्ग है। इसके अलावा बलिया बेलोन थाना क्षेत्र की कई पंचायतों के लोग प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय ग्रामीण रामवचन चौधरी पुल न बनने से काफी नाराज हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से सिर्फ नेताओं के आश्वासन सुन रहे हैं। पिछले वर्ष ही पुल का काम शुरू करने की बात थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। 6-7 साल से टूटा हुआ है, नहीं बन रहा है। द्वार स्वामी को यहाँ बुलाया गया, साजी साहब को बुलाया गया, फोटो लिया गया, यहाँ भाषण हुआ, कहाँ कहाँ गया, मगर कुछ नहीं हुआ। आज दिन तक काम नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। दुलार स्वामी को भी बुलाया गया है, मुखिया को भी बुलाया गया है, सारी को, आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बांस काट के बीज बना करके अपना गुजर, जब फ्लैट आता है तो नाव, एक तो नाव का ना एक ठिकाना कोई चीज़ के ना, इसी पुल पर और केला काट करके हम लोग किसी तरह बांध पा के गुजारा करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आश्वासन उश्वासन खूब दिया नेता। हाँ, खूब दिया, मगर कुछ कहीं नहीं मिल रहा है हम लोग का। तो कुछ दिन में चुनाव है लोकसभा का, है, अब चुनाव करने वाला आएगा हम लोग के पास, तब जो है तो हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग का मौका नहीं है। जब इंसान आएगा हम लोग के पास तब ना हम लोग सुनाएंगे बात करके कि हम लोग जो है तो मरते हैं। दो घाट का ये रोड है। कितना आदमी आता जाता होगा इसमें? इसमें कम से कम 10 बजे रात से आज दिन से कोई 10,000 से ज़्यादा आदमी इस होकर टपता है। दो घाट, कवैया घाट और कुजबाना घाट, दो घाट का ये मैन यही रोड है। खाना नहीं मांगते हैं, धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ हम लोग का ये 200 बना दीजिए, हम लोग का ये नहीं कान। उसके बाद दुलार स्वामी मुखिया सारी को यहाँ बुलाया गया है। लाल गोस्वामी आया था तो क्या आश्वासन दिया था? हाँ, बनेगा, कोई कहा था इतना महीना में या इतना साल में बनेगा? ये मैंने क्या कहा था कि पौड़े साल बनाने का बात दिया था, पौड़ साल सामान गिर जाएगा और काम हो जाएगा। 1 साल हो गया, अभी तक कहीं कुछ नहीं। मणिकपुर गांव निवासी विद्यानंद सिंह ने बताया कि पुल ना होने के कारण यहां कई बार दुर्घटना हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले पानी में गिरकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और स्थानीय विधायक शकील अहमद खान पुल की हालत देखकर गए थे और जल्द काम कराने का आश्वासन दिया था। सालों बीत जाने के बावजूद अब तक कोई भी काम नहीं हुआ। अभी तक तो कोई पुल नहीं बना है, तो ये इतने घटना कितना बच्चे का हो गया? क्या घटना हुआ? एक बुढ़े का घटना हो गया, मोटरसाइकिल लेकर सीधे गिर गया वहाँ जमीन में, पानी में, उसका मोटरसाइकिल घिस गया, भरखस लेकर निकाला गया। उसके बाद 2-3 बच्चे का यहाँ घटना हो गया। क्या कोई मर गया था क्या? तो मर गया है ना, 3 बच्चा मरा है यहाँ पे। सर, कितना दिन पहले? ये कोई 5 साल पहले। अच्छा, 3 बच्चा मर गया है? 3 बच्चा मर गया। अच्छा, कौन कौन आश्वासन दिया है इसमें से? कोई विधायक, नेता, सांसद? विधायक तो आया था एक बार, दुलाल गोस्वामी तो सांसद है, वो आया था, वो आके गया। उसके बाद शकील अहमद आया, वो भी आके गया है। शकील अहमद भी आश्वासन दिया गया? वो भी आके गया है। तो दुलाल जी कब आए थे, कितने दिन पहले? दुलाल को आने में 4 साल हो रहा। 4 साल पहले आए थे? जब इलेक्शन के टाइम में ही आया था। 4 साल बाद इधर नहीं आया? इलेक्शन के टाइम आए थे, फिर से इलेक्शन आ गया, फिर से आएंगे वो? अब आएगा या नहीं आएगा हमको पता नहीं। अगर फिर से अगर वो आ गए तो क्या करना चाहेंगे उसको, क्या कहिएगा आप लोग? आएगा उसके बाद कहेंगे ना। तो सोचे है ना? हाँ, सोचने का तो सोच के रखे हैं, लेकिन आएगा तभी। अच्छा, आएगा तो क्या कहिएगा? कहेंगे कुछ जो करना है हमको। अच्छा, कहिएगा। हाँ, अभी कह गया क्या करेंगे। अच्छा, जो भी करना है उसके सामने कहेंगे। स्थानीय किसान साबिर आलम अपने खेत से साइकिल पर सब्जी लाद कर ला रही हैं। उन्होंने बताया कि महानंदा नदी के किनारे सब्जी की अच्छी खेती होती है, लेकिन पुल टूटने के बाद खेत से हाट बाजार तक सब्जियां ले जाना बहुत कठिन हो गया है।
हर साल बरसात में चचरी पुल टूट जाता है, जिससे दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी खेत से आ रहे हैं माल लेके। तो देख रहे पूरा साइकिल में पूरा सब कुछ, पूरा सब कुछ है, हाँ पूरा लदा हुआ है। कितना दूर खेत है? लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। ये टूटा हुआ पुल देख रहे हैं, कितना दिन पहले टूटा? ये तो यानी कि कम से कम उसका हो गया आप 10 साल से कम लगा। अच्छा, 10 साल पहले। तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे ही। तो कोई नेता होता नहीं बोला क्या? कितना आया, कितना देख के गया, बनेगा ये जनवरी से बोला था ना, वो जनवरी से काम होगा, कुछ नहीं हुआ। कौन नेता बोला जनवरी से? सांसद। क्या लगाते हैं खेत में आप लोग? बैंगन, गोभी, टमाटर, मरीच, सब कुछ, सब कुछ। मकई उखाई बेचते हैं हटिया में क्या? हाँ डेली बेचते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर बरसात हो जाता है तो सब फिर सामान कैसे लेके आते हैं खेत से? मथा में लाते हैं, नाव में लाते हैं, टपा लेते हैं। बहुत परेशानी होता है, कभी आते हैं कभी नहीं ला पाते हैं, सब माल भर जाता है। माल भर भी जाता है? फंस भी जाता है ना, जब यानी रास्ते नहीं तो क्या कीजिएगा, वहाँ रह जाता खेत में, पैका नहीं आता है। सब चीज आप लोग इस तरह का खेती करते हैं? कम से कम यहाँ देखिए यानी बहुत आदमी करता है, 400-500 आदमी तक इसी तरह आपके तरह खेती करता है। खेती करता है सब, कितना दिक्कत होता है, कितना परेशानी होता है। स्थानीय मुखिया सत्यनारायण यादव ने बताया कि वे लोग अपनी मांगों को लेकर कुछ वर्षों पहले ही सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के घर गए थे। तब सांसद ने संबंधित विभाग के इंजीनियर से बात भी की थी। इसके अलावा स्थानीय विधायक शकील अहमद खान ने भी जल्द पुल निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं स्थानीय वार्ड सदस्य गुलाम सरवर ने कहा कि 2017 में पुल टूटने के बाद से ग्रामीण आपस में चंदा कर चचरी पुल बनाते हैं, जिसमें हर साल 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च आता है। दर्जनों गाँवों के ग्रामीण इस रास्ते से ही जाते हैं। टूटा हुआ बहुत पहले से ही है पुल पुलिया, हम लोग चचरी बांध बांध करके आदमी को आने जाने का रास्ता निकाल दिए हैं। दुलाल गोस्वामी साहब के पास भी, सर के पास भी गए थे इसका कागज उगज लेके हम लोग, तो बोला ठीक है हम बात करते हैं ऊपर और काम स्टार्ट करवाएंगे उस पुल का। दुलाल गोस्वामी साहब आए थे यहाँ, आने के बाद ये देख के गया, अभी तक कोई काम उम नहीं हुआ है। फिर आगे 6-7 महीना बाद बाढ़ का पानी आने वाला है, तो फिर इसको चचरी बनाना पड़ेगा। ग्रामीण मिलके हम लोग सब मिलके खेत में चचरी बना करके आदमी का आना जाना के लिए रास्ता है। टूटा कब था ये पुल? यह 2017 को टूटा है। 2017 में जी, उसके बाद से इसी तरह? हाँ इसी तरह से चलता है। तो इसको चचरी उचरी को कौन बनाता है? ग्रामीण मिलके बनाता है, मुखिया सहयोग करता है, वार्ड मेंबर सहयोग करता है, सब मिलके ग्रामीण सहयोग करता है। तो हर साल बनाना पड़ता? हाँ हर साल बनाना पड़ता है। कितना खर्चा आता होगा लगभग? लगभग वही 20-25 हज़ार रुपये आ जाता खर्चा। अच्छा, तो ये पुल जो है कितने गांव के लोग इधर से आना जाना करते हैं? इधर से उस पार का आपका गेद में वही 60-70 गांव है गेद में, कवैया, कुजीबना, कुरहेला, बोबरा, चौकी, जाजा, मलिकपुर, पूरा गेद में यही कबैया और कुजीबना का घाट लगता है, तो इधर ही से सब आना जाना करता है नाव से ही। इस मामले में हमने कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी से फोन पर बात की। कटिहार सांसद ने कहा कि वह लगातार कार्यपालक इंजीनियर के संपर्क में हैं, ताकि जल्द ही पुल का दोबारा निर्माण करा लिया जाए। वहीं कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने बताया कि इस पुल के कागजात मंत्रालय और सचिवालय में जमा किए गए हैं, मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।